ओंकार सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक नानक होसी भी सच सतगुरु दया करे 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 दया करे सुखदाता दया करे सुखदाता दया करे सुखदाता दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली हम लावे आपन सतगुरु दया करे सतगुरु दया करे सतगुरु दया करे सतगुरु दया करे हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चले गुरचाली हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चले गुरचाली सतगुरु दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली सतगुरु दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली हम लावे आपन पाली सतगुरु दया करे सतगुरु दया करे सतगुरु दया करे सतगुरु दया करे दया करे सुखदाता दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली हम लावे आपन पाली सतगुरु दया करे सतगुरु दया करे सतगुरु दया करे सतगुरु दया
आस पवन हस्तियाँ सेवारी चोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक अखारे गाया ता मेहमान संतोख न पाया मन संतोष न पाया सो सुख मुख संत सुख मुख संत बता कृष्णा बोझे मन त्रिपता कृष्णा मन त्रिपता सो सुख मुख से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारा शब्द और बड़ा ही ज्ञान देने वाला शब्द। संतों से बेनती की गई है, हे संतों मुझे ऐसे सुख का एड्रेस बताओ, ऐसा सुख कैसा कि मेरे मन की तृष्णा बुझ जाए
मेरा मन तृप्त हो जाए, संतोष की प्राप्ति हो जाए। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से समझ, संतों महापुरुषों कमाई वाले जिन्हें प्राप्ति हो चुकी है उनसे निवेदन किया गया है। पांचवे गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें रास्ता बता रहे हैं कि सुख का एड्रेस चाहिए, परमानेंट सुख का एड्रेस तो संतों से पूछो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहां पर सबसे कीमती पॉइंट पता है क्या है, ये एड्रेस पूछ कौन रहा, जिनके पास सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक तो होते ना हमारे जैसे लोग, कुछ है कुछ नहीं है, एक गरीब जिसके पास बहुत कम है, एक राजा महाराजे जिनके पास सब कुछ है, वो ये बेनती कर रहे हैं कि मुझे अब सुख का एड्रेस बताओ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पे ज्ञान सबसे बड़ा ये है सात संगत जी, हम जैसे लोग जो समझते हैं कि ये पालेंगे तो खुश हो जाएंगे या ये पदवी हासिल कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे या इतनी धन हो जाएगा, इतनी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, ये साबित करता है कि जिनके पास अथाह है वो भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि जहां पर तृष्णा है वहां पर दुख है, जहां पर संतोष है वहां पर सुख है। ऐसे समझ लीजिए कृष्णा माया है और संतोष गुरु नानक। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, दोनों अपोजिट चीज है। माया भी गुरु नानक की ही बनाई हुई है, निरंकार की ही बनाई हुई है, पर हम माया को छाया पकड़कर बैठ जाते हैं। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले पंक्तियों को समझ लें, क्योंकि शब्द की पंक्तियां बड़ी कमाल की। देखिए ना, राजे महाराजे पूछ रहे हैं, संतो मुझे सुख का एड्रेस बताओ। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि मैं नहीं, अपने ऊपर लेकर बता रहे हैं। तो कौन से जन्म की बात कर रहे हैं वो जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि मैंने राजा बन के देख लिया, मैंने हर चीज देख ली। एक एक पंक्ति समझते हैं फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। बहु रंग माया बहु विदपेखी, मैंने कई प्रकार की माया देखी है जो मन को मोह लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की, कलम कागज से आने पर लिखी, ये भी माया का रूप है। मैंने ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें किताबों में लिखी कि लोग मेरी विद्वता का लोहा मानने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर उसमें भी मैंने सुख नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कलम कागज से आने पर लिखी, ऐसी ऐसी गहरी बातें लिखी मैंने किताबों में ज्ञान की, लोग मुझे ज्ञानी विद्वान कहने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेहर मलूक होए देखिया खान, मैंने चौधरी बन के देख लिया, सुल्तान बन के देख लिया, खान बन के देख लिया, भाव बड़े औदे हैं बड़े से बड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तांते नाही मन तृप्तान, पर मेरे मन को तृप्ति नहीं मिली, मेरे मन की तृष्णा की आग नहीं बुझी, और चाहिए और चाहिए, इसी में सारा जीवन व्याप्त हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहु रंग माया बहु विद पेखी, कलम कागज से आन पे लिखी, मेहर मलूक होए देखिया खान, तांते नाही मन तृप्तान। इसीलिए पूछ रहे हैं क्या, सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ,
कृष्णा मन तृप्ता कृष्णा मन तृप्ता प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ अस पवन हस्त असवारी हाथियों की सवारी करके देख ली हवा जैसे तेज दौड़ने वाले अच्छे से अच्छे घोड़ों की सवारी करके देख ली प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उस जमाने के हाथी घोड़े आज के जमाने की बड़ी बड़ी गाड़ियां प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कोई सो ये सोचे मेरे पास मर्सिडीज आ जाए मैं सुखी हो जाऊंगा ये हम जैसे लोगों के लिए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक चोहा चंदन सेज सुंदर नारी अच्छे से अच्छा परफ्यूम यूज करके देख लिया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक दुर्लभ चंदन वो इस्तेमाल करके देख लिया कि मन तृप्त हो जाएगा नहीं हुआ सुंदर स्त्री के साथ सेजा भोग कर देख ली मान कर देख ली कि मन तृप्त हो जाएगा नहीं हुआ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक नट नाटक अखारे गाया आज के जमाने में टीवी है सोशल मीडिया है एंटरटेनमेंट के लिए उस जमाने में नाटक हुआ करते थे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक अखाड़े लगा करते थे रंग भूमि के नट नाटक अखारे गाया मैंने नाटक देख लिए नट देख लिए अखाड़े देख लिए वहां पर गा के देख लिया गाने सुनकर देख लिए उनके मनमोहक गीत सुनकर भी देख लिए ताम है मन संतोख ना पाया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक फिर भी मेरा मन को शांति प्राप्त नहीं हुई मन को संतोष नहीं मिला हे संतो मुझे बताओ सुख कहाँ है यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक हे बाबा नंद सिंह जी हमें ज्ञान दो कि सुख कहाँ पर है जिन्होंने सुख को पा लिया है एड्रेस वही बता सकते हैं यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी द्वारा उच्चारण किया हुआ यह शब्द संतों से पूछो कि सुख कहां पर है दुनिया की हर सुख हासिल करने के बाद जब ज्ञान होता है ना कि अब सुख कहां पाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक पुरातन समय में इतने सारे राजा सब बैराग की अवस्था में राजबाग छोड़कर जंगलों में क्यों जाते थे क्योंकि राजगद्दी पर बैठकर भी जब दुखी है तो सुख कहां पर है सुख की तलाश में बाहर निकले गौतम बुद्ध बने सुख की तलाश में प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक क्या नहीं था उनके पास पर मन सुखी नहीं साधन शरीर को सुख देते हैं मन को नहीं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक किसी का मन दुखी हो उसके आगे 36 पदार्थ रख दो नहीं खाएगा खाएगा भूख नहीं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक अब मन सुखी कैसे हो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक ये सवाल पूछा है सो सुख मो संते बता सुख मोको संत बताओ कृष्णा मन तृप्ता
कृष्ण मन तृप्ता सो सुख मोको संत बता प्यार से बोलिए धन तख्त सभा मंडन दोलीचे राज दरबार में रहकर देख लिया, तख्त पर बैठकर देख लिया, राज तख्त पर महंगे से महंगे गलीचों पर चलकर देख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सगल मेवे सुंदर बागीचे जितने भी किस्म के फल होते हैं जितने भी किस्म के मेवे होते हैं सारे खाकर देख लिए। सुंदर से सुंदर बगीचों में घूमकर देख लिया, रहकर देख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अखेड़ वृत राजन की लीला। राजे महाराजे केवल शिकार खेल सकते थे उस जमाने में। मैंने शिकार खेल कर देख लिया। राजे महाराजे जो जो लीला करते हैं मैंने सारी लीलाएं करके देख ली, शायद मेरा मन तृप्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते हैं मन न सुहेला और पंच हेला, इन सब से मेरा मन सुखी नहीं हुआ, सारा कुछ छल ही प्राप्त हुआ। छल पर पंच हेला प्रपंच था, सब कुछ दिखावा था कि शायद इसमें सुख है, ये सोचकर मैंने सब किया और सुख था नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाँव हाथ में साया है, साया हाथ में नहीं आता, दिखाई देता है, दिखता है कि उसमें सुख है पर जब पकड़ने जाओ सुख मिलता नहीं, पर पंच हीला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे वाहे गुरु, हे संतो, तरस करो मुझ पर, मुझे सुख का एड्रेस बता दो, सुख कहां पर है। जिनके पास कुछ नहीं वो दुखी है, जिनके पास सब कुछ है वो उनसे ज्यादा दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके पास नहीं है ना वो सोचते हैं कि शायद सब पालेंगे तो सुखी हो जाएंगे, एक उम्मीद होती है उन्हें, पर जिनके पास सब कुछ है अब क्या पाएंगे कि सुखी हो जाएंगे, उम्मीद ही खत्म हो गई। तो संतों के शरण में जाओ और पूछो, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बताएंगे कि सुख कहां पर है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सुख को पा लिया है। जिन्होंने पा लिया है वो रास्ता बता सकते हैं, भाई ऐसे कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर संतों ने तरस किया, बताया सुख का एड्रेस कहां पर है, क्या कहा, श्रवण कीजिए। कर कृपा संतन सच कहे आ, सर्व सुख तेहे आनंद लहे आ। संतन सच कहे सर्व सुख तेह आनंद लगे आनंद।
संग हर कीर्तन गाए कहो नानक बड पागी पाए कहो नानक बड पागी पाए राष्ट्र बोलिए धन बोलिए कर कृपा संतन सच कहया। यहाँ पर कहा है संतों ने सच कहा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अब संत तो झूठ बोलते ही नहीं, तो यहाँ पर सच कहा ऐसा क्यों कहा है? विचार करके देखिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज को ये लिखना पड़ा कि संत सच कह रहे हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमारा मन नहीं मानता। जोर देकर कहा है कि कर कृपा संतन सच कहे। आज संत सच कह रहे हैं, सच मान इस बात को। किस बात को? सर्व सुख ए आनंद लहया, दुनिया के सारे सुख एक तरफ और ये आनंद एक तरफ। यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी सुख हैं दुनिया के कुछ हैं इस आनंद के सामने। कौन सा आनंद? साध संग हर कीर्तन गाइए। यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संग हर कीर्तन गाई है। संतों ने एड्रेस बता दिया, संतों की संगत में बैठ और कीर्तन कर। कहो नानक वड भागी पाई है। बहुत ही बड़े भाग हो तो ये दात मिलती है, संतों की संगत, साध संगत, और उसमें बैठकर गुरु के गुण गाने प्रभु के। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो गुरु नानक ने हम पर तरस करके रखा है, ये असली एड्रेस है सुख का। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े से बड़े तपते मन, क्रोधित मन, भटके मन शांत हो जाते हैं कीर्तन सुनकर। घर से बोलिए धन गुरु नानक। साध संग हर कीर्तन गाइए, ये एड्रेस दे दिया परफेक्ट। सच कहया संतन सच कहया, सर्व सुख ए आनंद लहया, सारे सुख ये आनंद। साध संग हर कीर्तन गाइए, कहो नानक बड़ भागी पाई है। जां कह हर धन सोही सुहेला, जिसके पास नाम का धन है वो सुखी है बस। कर कृपा साध संग मेला, हे गुरु नानक तरस कर साधु की संगत बख्श, सत संगत बख्श, जहां पर संगत बैठकर तेरे गुण गाती है। ये एड्रेस है स्वर्ग का। मरने के बाद स्वर्ग का पता नहीं, जीते जी स्वर्ग। या कबीर जी कहते हैं, कह कबीर ए कही है काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चर निवास। कहन कहावन नए पते आई है, तो मन माने जाते हमें जाइए। कहो कबीर ए कही है काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है गुरु नानक का, शुक्र शुक्र लाख लाख कोट कोट शुक्र। सत्संगत बख्शी है, वो भी अमृत वेले की सत्संगत। अपने चरणों में बिठा के कीर्तन करा रहा है हम सब से। हम सब गा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। गाविए सुनिए, मन रखिए भाव। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। श्रद्धा से गा, श्रद्धा से सुन, दुख पर हर सुख कर ले जाए। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। सुख घर ले जाए सुख, सो सुख मोको संत बताओ। सारे शब्द का अगर दो पंक्तियों में अर्थ करने हो तो पुखिया पुखना उतरी जे बन्ना पुरिया पार। तीनों लोगों के पदार्थ इकट्ठे कर ले, वो भी तेरा मन तृप्त नहीं होगा। तृप्त कब होगा? जब तुझे सत्संगत मिल जाएगी, उसमें बैठकर तू जपेगा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। बहुत सारे लोगों को हम में से लगता है कि हम तृप्त हो चुके हैं। नहीं भाई, हमें लगता है कि हमारी तृष्णाएं मिट चुकी है। नहीं, ये गलत फहमी है। कभी विचार करके देखो, हर रोज सैकड़ों तृष्णाएं जागती हैं, हर रोज। ऐसा हो जाए, अब बस इतना और हो जाए और उतना और हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विरले होते हैं जिन्हें सत्संग मिल गया है। वो पता किस बात की तृष्णा करते हैं कि मेरा नित्य नेम बढ़ जाए। अगर आज 40 माला मूल मंत्र का है तो कल 50 हो जाए, 60 हो जाए। ये कृपा है। क्यों? क्योंकि सुख का एड्रेस है साथ संग हर कीर्तन का। ये जो संगत में बैठ के कीर्तन करेगा, कीर्तन सुनेगा, उसे ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये असली सुख है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालची संत भी होता है, लालची हम जैसे लोग भी होते हैं। हमारा लालच दुनियावी पदार्थ, संतों का लालच नाम। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनकी अवस्था तोर भजन की रहे प्यासा, तेरी प्यास लगी रहे बुझे ही ना नाम की। यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की प्यास में जो तड़प है, तड़प में जो आनंद है, ये वही जानता है जिसे ये लगी हो। यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्यास को एक्सप्लेन करके समझाया नहीं जा सकता ये कैसी होती है। ये तो जिसे होती है वही जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाए। कृष्णा सो सुख मोह संत बताओ, किसमें है सुख, सुख किसमें है। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे। अमृत वेले गुण गाइए तेरे, वेले गुण गाइए तेरे, वेले गुण गाइए तेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया मैनू बख्श लवो, दुख हर लो मेरे, मैनु बख्श लो, दुख हर लो मेरे, मैनु बख्श लो, दुख हर लो मेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अमृत वेले दर आइए तेरे, अमृत वेले दर आइए तेरे।
अमृत वेले दर आइए तेरे अरदास दातिया चरणा विच तेरे कीर्तन दीदार पाओ चोली मेरे कीर्तन दीदार पाओ चोली मेरे नाम दीदार पाओ चोली मेरे अरदास दातिया चरणा विच तेरे मन जुड़ जावे चरणा विच तेरे मन जुड़ जावे चरणा विच तेरे अरदास दातिया चरणा विच तेरे अरदास दातिया घर आओ मेरे अरदास दातिया कर आओ मेरे अरदास दातिया कर आओ मेरे अरदास दातिया कर आओ मेरे कर आओ मेरे दुख हर लो मेरे
अमृत वेले दर आइए तेरे सिखी दीदार पाओ चोली मेरे कीर्तन दीदार पाओ चोली मेरे मन जुड़ जावे चरना विच तेरे मन जुड़ जावे चरना विच तेरे नाम दीदार पाओ चोली मेरे सेवा दीदार पाओ चोली मेरे अरदास दाते चरना विच तेरे अरदास दाते कर आओ मेरे अरदास दाते कर आओ मेरे कर आओ मेरे चंगे कर्म बंदे दे जद जागदे ने रब आप सबब बनाउंदा है सुल्तान बनाउंदा कैदियां नूं दुख दे के सुख दिखाउंदा है सांगे अखां च वसा के
शगना दे कड़िया ने रब ने मिलाया जोड़िया अज शगना दे कड़िया ने जिक्र कर ओ सिर्फ
फिक्र कर किसे गंदी ना फिक्र कर शुक्र कर ओ रब दा शुक्र कर जिक्र कर ओ रब दा जिक्र कर फिक्र कर किसे गंदी ना फिक्र कर शुक्र कर ओ रब दा शुक्र कर जिक्र कर ओ रब दा जिक्र कर फिक्र कर किसे गंदी ना फिक्र कर शुक्र कर ओ रब दा शुक्र कर जिक्र कर ओ रब दा जिक्र कर फिक्र कर किसे गंदी ना फिक्र कर शुक्र कर ओ रब दा शुक्र कर वक्त बुरा जी आवे बंदिया वक्त बुरा जी आवे बंदिया तू डिगी ना तू डोली मंच रखी विश्वास आस न हुन तू तोड़ी कर दरवी फिक्र कर किसे गंदी ना फिक्र कर
कर उस रब दा शुक्र कर। जिक्र कर उस रब दा जिक्र कर। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
जय गुरु जी की। ओ, 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 ओ